सो दोस्तों ये है एक्स्टर हुंडई की एक्स्टर SX मॉडल जो आप मेरे सामने देख रहे हो। इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल की अगर बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको मिलती है बड़ी प्यारी सी पियानो फिनिश में ये ग्रिल मिल जाती है। हुंडई के ऊपर आपको मिल जाती है लोगो, नीचे एक्स्टर की बैजिंग और फॉग लैंप मिल जाते हैं, नीचे स्लाइडिंग मिल जाती है और कुछ इस तरीके को बड़ा सा कुछ टोटली कंपैरेटिवली देखा जाए तो पंच के कंपैरिजन में देखा जाए तो पंच के सामने ये गाड़ी लॉन्च की गई, साफ पता लगता है इसको देखकर। लुक बड़ा प्यारा सा है इसका, बड़ा ही शानदार सा लुक आया है। गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करता हूँ और बताता हूँ उसमें साइड प्रोफाइल में आपको क्या क्या मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में 15 इंच का आपको इसमें टायर देखने को मिलता है, ORVM के अंदर टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं इसके अंदर और कुछ इस तरीके के साइड प्रोफाइल है जिसके अंदर बॉडी कलर में आपको हैंडल मिल जाते हैं, पिलर ABC आपको मिल जाता है ब्लैक, रूफ रेल इसके अंदर ऐड की गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं और कुछ इस तरीके डायमंड कट में अलॉय व्हील के साथ आपको टायर मिलते हैं और लुक थोड़ी सी आपको यहाँ पर टोटली फाइट देने वाली गाड़ी लगती है ये पंच के सामने। और 1200cc का 4 सिलेंडर इंजन इसका, एवरेज की बात करें तो लगभग 12 से 13 की एवरेज बम्पर टू बम्पर में आपको ये देने वाली है। और साथ ही बात करेंगे इसके रेट की तो जो स्टार्टिंग रेंज इसका निकाला है 5,99,000 रुपीज़ का इसका रेट निकाला है। बात करेंगे इसकी कुछ बैक प्रोफाइल की तो कुछ इस तरीके की बैक प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है इसकी, तो बहुत ही एक अलग अमेजिंग सा लुक निकाला, बड़ी प्यारी सी शेप निकाली है। यहाँ पर टेल लैंप आपको मिल जाते हैं, एच मिल जाता है इसको यहाँ पर देखने में टेल लैंप के अंदर, जो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं आपका पार्क रिवर्स पार्किंग लैंप है उसके अंदर बल्ब दिए गए हैं, टर्न इंडिकेटर भी बल्ब दिए गए हैं। यहाँ पर SX मॉडल एक्स्टर और साथ में यहाँ पर हुंडई की आपको मिल जाता लोगो। नीचे सेंसर दिए गए हैं, 2 सेंसर दिए गए हैं, नीचे बम्पर की स्किड कुछ ड्यूल टोन में दी गई है और कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। बैक वाइपर यहाँ पर इस मॉडल के अंदर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लाइट, कुछ अलग सी शेप का बढ़िया वाला यहाँ पर स्पॉयलर इस तरीके का, शार्क फिन एंटीना और कुछ इस तरीके की आपको शानदार सी लुक देखने को मिलती है एक्स्टर की। स्टेयरिंग के ऊपर कंट्रोलिंग मीडिया की मिल जाती है आपको, राउंड शेप के अंदर स्टेयरिंग है, जो लेदर रैपिंग आपका इसका मिल जाता है स्टेयरिंग कवर। यहाँ कुछ ऐसा सेंटर कंसोल के लगभग काफ़ी अच्छी बड़ी यहाँ पर आपको टच स्क्रीन मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी कंट्रोलिंग है, फीचर्स की भरमार है। यहाँ पर देखो सनरूफ है और ये एक बहुत शानदार जिसको कहते हैं ऑप्शन दिया गया है, फीचर से भरी हुई गाड़ी, सनरूफ, यहाँ पर लैम्प, यहाँ पर देखिए वैनिटी, एयरबैग्स, ग्रैब हैंडल, साथ ही साथ कुछ इस तरीके का कार्बन फाइबर का यहाँ पर बहुत बढ़िया आपको मिल जाता है देखने को। हमारा डैशबोर्ड यहाँ मिल जाता है और बाप रे काफ़ी बड़ा वाला आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है और बहुत ही शानदार यहाँ पर आपको कंसोल मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और यहाँ पर आपको कुछ जो कंट्रोलिंग्स दी गई हैं कुछ अलग, और यहाँ आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। अरे वाह, इसके अंदर आपको मिलता है साथ में देखने को जो अपना वायरलेस मोबाइल चार्जिंग सिस्टम मिल जाता है, ये भी इसके अंदर ऑप्शन दिया गया बढ़िया। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे मिल जाता है। कप होल्डर्स हैं, आर्मरेस्ट नहीं है। सीट की बात करूँ तो सीट बहुत बड़ी है, थाई सपोर्ट काफ़ी बड़ा अच्छा लंबर सपोर्ट। इस तरफ को ड्राइवर साइड विंडो कंट्रोलिंग, ड्राइवर साइड आपका जो डोर पैड है उसके ऊपर आपको मिल जाते हैं विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो फोल्ड आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, हमारे ORVM मिल जाते हैं, AC वेंट के साथ कुछ वाइट एलिमेंट दिया गया है। यहाँ पर मिल जाती है ये गाड़ी आपको पुश बटन स्टार्ट, ये पुश बटन स्टार्ट गाड़ी मिल जाती है आपको देखने में। तो ये भरी हुई मॉडल्स के साथ ये गाड़ी कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके की मिलती है चाबी, कुछ इस तरीके की चाबी मिल जाती है, बड़ी शानदार सी चाबी दी गई है। और गाड़ी मैंने बताया आपको फुल भरी हुई फीचर्स के साथ, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके की यहाँ पर हमारी स्क्रीन, बढ़िया वाली स्क्रीन यहाँ पर आपको मिलता है देखने को, इस तरह का क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा डिजिटल दिया गया है इसके अंदर। ये देखिए ये क्लस्टर जो दिया गया है ये कुछ इस तरीके का अलग ही क्लस्टर दिया गया है जो कि बड़ा ही प्यारा लुक देता है। तो गाड़ी अपने आप में छोटी की छोटी, बड़ी की बड़ी, और फीचर्स की बात करूँ तो हुंडई ने इस मामले में बिल्कुल कंजूसी नहीं की, फीचर्स भर भर के दिए हैं गाड़ी के अंदर फुल्ली अट्रैक्ट करने के लिए। कुछ इस तरीके की लाइटिंग बहुत शानदार आपको यहाँ पर फील करवाती है और यहाँ पर आपको जो टच स्क्रीन है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है भरा हुआ फीचर्स के साथ, यहाँ आपको देखो डैश कैम दिया गया है, डैश कैम भी दिया गया है, बाप रे भर दिया है भाई, फुल ऑफ फुल ऑन। और यहाँ पर दिया गया आपको आपको IRVM है वो भी मिल जाता है।
तो ये कुछ फुल भरे हुए फीचर्स के साथ, और सीटिंग की बात करता हूँ मैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी भरी हुई है फीचर्स के साथ और काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है गाड़ी के अंदर बैठ के। जो सीटिंग है, जो विज़न है, गाड़ी ड्राइव करने वाले को जो आगे का विज़न है वो बहुत अच्छा काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। सीटिंग पोस्चर स्टीयरिंग के ऊपर बैठ के काफ़ी अच्छा लगता है। स्टीयरिंग की बात करता हूँ तो अगर यहाँ पर ये देखिए, स्टीयरिंग भी आप अप एंड डाउन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, अप एंड डाउन करने का टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। तो ये मैंने मोटे मोटे आपको फीचर्स बताए कुछ इस तरीके के, इसके अंदर जो है जो भर दिए गए फीचर्स हैं। कंप्लीटली टाटा पंच को फाइट देने वाली गाड़ी ये निकाली है 1200 सीसी के अंदर, और जो रेट रखे हैं रेट भी उसी के टच में रखे हैं जो स्टार्टिंग मॉडल के रेट रखे हैं। मैंने जो अभी सुना है कि बेसिक मॉडल के अंदर भी इसके अंदर आपको एसी वेंट मिलता है। तो बात करते हैं एक बार पीछे बैठकर पीछे के कंफर्ट की और बूट स्पेस की। ये कुछ इस तरीके का फील आता है आपको टेल लैम्प का, कुछ इस तरीके का ये फील टेल लैम्प का आता है। फ्रंट के लैम्प को भी दिखाते हैं आपको और बताते हैं कि कैसा फील फ्रंट के लैंप का इसमें आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से हैलोजन बेस्ड आपको लैंप मिल जाते हैं, नीचे प्रोजेक्टर लैंप मिल जाते हैं देखने में, और DRL मिल जाती है एच फेम शेप की। और सीटिंग की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर सीटिंग पीछे बैठकर देखते हैं रूफ रेल, और साथ में पीछे बैठते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी आपको सीट मिल जाती है अच्छे खासे। ये देखिए जो थाई सपोर्ट की बात करता हूँ तो अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिल जाता है यहाँ बैठते हैं। और बैठ के कम्फर्ट की बात करते हैं तो ये गाइस, ये कुछ इस तरीके से पहले तो आपको इंटीरियर पीछे से कुछ इस तरीके को देखने को मिलता है। ये कुछ इंटीरियर आपको यहाँ से देखने को मिलता है। सनरूफ की बात कर रहा था मैं, ये सनरूफ है जो आपको सनरूफ मिलती है। भर दिया फीचर से गाड़ी को, फुल ऑन भर दिया है। केबिन का लैम्प भी है इसके अंदर, केबिन में लैम्प भी है और यहाँ पर सनरूफ भी है। पीछे की सीट की बात करूँ हमारे नी रूम की, तो नी रूम बहुत कंफर्टेबल है। जो बैक सीट है, जो हमारी सीट है, हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल, जो ये बैक सीट है आपकी, ये बैक सीट काफ़ी रिक्लाइन है तो बड़े आराम से बैठकर जर्नी कर सकते हैं। पीछे विंडो कंट्रोल दिया गया है यहाँ पर आपको, पीछे की तरफ विंडो कंट्रोल ये दिया गया है। और ये कुछ इस तरीके का कार्बन फाइबर का कुछ थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वर्क, ग्रैब हैंडल पीछे मिल जाते हैं। और कंप्लीटली हेडरेस्ट काफ़ी ऊंचा आपको हेडरेस्ट मिल जाता है। तो कुल मिलाकर गाड़ी काफ़ी अपने आप में इम्प्रेसिव फीचर्स से भरी हुई गाड़ी ये लॉन्च की है अभी हुंडई ने। और यहाँ पर पीछे बैक में आपको एसी वेंट भी दिया गया है। देखिए बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको एसी वेंट भी इसके अंदर दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात कि यहाँ पर एसी वेंट भी मिल जाता है। तो गाइस भरी हुई फीचर से गाड़ी हमारी ये आपको देखने को मिलती है। पीछे की तरफ यहाँ आपको कैमरे की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है, बहुत अच्छा फीचर ये भी ऐड किया गया। लैंप आपको मिल जाता है। बूट साइड देखते हैं, चेकआउट करते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि 6 एयरबैग, सेफ्टी फीचर्स की बात करता हूँ तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको मिलते हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा का। इंजन की प्लेसमेंट अगर यहाँ देखें तो कुछ इस तरीके का आपको इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर इंजन इसके अंदर दिया गया। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी दी गई है। स्मार्ट सिलेक्शन बहुत अच्छा, जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू से, माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी सपोर्ट करता है। फिलहाल आपको 12, 13, 14 की एवरेज इसकी कंपनी क्लेम करती है एक्स्ट्रा की। तो इंजन की प्लेसमेंट भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, बहुत अच्छी 4 सिलेंडर के साथ। तो ओवरऑल जो मैंने एक्स्ट्रा की बात की है आपसे गाड़ी की, मैं ओवरऑल इम्प्रेस्ड हूँ इस गाड़ी से। तो गाइस 391 लीटर का बूट स्पेस, आपको ह्यूज बूट स्पेस मिल जाता है देखने में यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर की केबिन में लैंप भी वहाँ आप देख सकते हैं दिया गया है। बूट केबिन में लैंप भी मिल जाता है। कुछ इस तरीके से हैंडल बार दिया गया है बूट को ओपन करने का, और काफ़ी अच्छा स्पेस बूट का आपको देखने को मिलता है हमारे इस एक्स्टर के हुंडई के मॉडल में। तो गाइस ओवरऑल गाड़ी काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो गाइस एक्स्टर का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। गाड़ी एक बार ज़रूर देखने लायक है क्योंकि फीचर्स बहुत भर दिए हैं, अपने आप में इतने फीचर्स भर दिए कि आगे किसी और गाड़ी में हम उम्मीद कम कर सकते हैं इस रेट के अंदर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।